तो सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन दोनों को सुपर इंपोज कर दें तो हमें इस रॉड के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को देखने में आसानी होगी रोटेशनल मोशन के चैप्टर पे एक और बेहद ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जी हाँ आज के वीडियो के इस प्रॉब्लम को सभी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से अटेम्प्ट करना चाहिए इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट कंप्लीटली You will learn a lot many concepts. So here is your today's question. आज का हमारा एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है a uniform rod of mass and length is fitted at each end with a freely rotating wheel. ये एक यूनिफॉर्म रॉड है मास की और इसके दोनों ही एंड पे ऐसे व्हील लगे हैं ठीक है टेके? ये व्हील जो है ये आसानी से रॉड एज एन एक्सेस ये बहुत आसानी से घूम सकते हैं देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड व्हील दैट मीन रॉड कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ दीज टू व्हील्स द टू व्हील्स आर आइडेंटिकल एंड लाइट द व्हील्स आर आइडेंटिकल एंड दे आर लाइट हल्के हैं द असेंबली इज प्लेस्ड ऑन ए हॉर्जोटल सर्फिस एज यू कैन सी

वेरी क्रूसियल स्टेटमेंट द व्हील्स डू नॉट स्लिप ऑन दी सर्फेस फाइंड दैग्नेट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दॉड एज इट रॉड असेंबली बेसिकली फ्रिक्शन असेंबली ऐसा लिख लीजिएगा सो फाइंड दिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दी दिस असेंबली दिस टॉय एज इट मूवस जब ये मूव करेगा तो इस पे कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा बेसिकली क्वेश्चन यह बताने का है कि हाउ वि रॉड मूव फ्टर दीज टू वेलॉसिटीज आर इंपॉर्टेंट साइमल्टेनियसली टू दू एंड ऑफ दी रॉड दि इज द क्वेश्चन स्टूडेंट प्लीज गिव इट ए ट्राई मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं आप बिल्कुल अच्छे से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और खुद से क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिए आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये दोनों ही व्हील लाइट है मासलेस है इसका क्या मीनिंग हुआ इन व्हील्स के ऊपर इन व्हील्स के ऊपर ऐसा फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ ऐसा फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो सकता है क्यों भाई क्योंकि ऐसा फ्रिक्शन फोर्स होने से उसका एंगुलर एक्सलरेशन व्हील का एंगुलर एक्सलरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा आप सभी समझते हैं एक व्हील को अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं यहां द रॉड राइट अब अगर व्हील के ऊपर ऐसा या ऐसा कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करे दिस द रॉड रॉड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस डायग्राम अगर ऐसा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करे तो दिस फ्रिक्शन इज गोइंग टू क्रिएट अ टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ द व्हील एंड द व्हील डज नॉट हैव एनी इनर्शिया एज पर द द्वेश्चन व्हील हैज वेरी स्मॉल इनर्शिया नेग्लिजिबल इनर्शिया एंड इफ देयर इज अ फाइनाइट फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हील इट विल प्रोड्यूस अ ह्यूज Angular acceleration, because there will be finite torque, but there is no inertia, so the wheel will start spinning with an infinite angular acceleration, which simply means that it will slip. But the question says there is no slipping, despite the fact that wheel is light, there is no slipping. So the friction force cannot be perpendicular to length of the rod. Is direction mein, great arrow direction mein friction force nahi Very good. क्या इसका मतलब यह हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं सकता है हुँ? लग सकता है अलॉन्ग दी लेंथ ऑफ रॉड इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स व्हील के ऊपर हो सकता है ऐसा एक फ्रिक्शन फोर्स ऐसा ऐसा रॉड के लेंथ के दैट मींस इस डायग्राम में अगर देखें तो फ्रिक्शन फोर्स इन टू द्लेन ऑफ दी बोर्ड या इस तरफ आपकी तरफ ऐसा एक फ्रिक्शन फोर्स डेफिनेटली अलॉन्ग दी द रॉड व्हील के ऊपर एक्ट कर सकता है पर ये फ्रिक्शन फोर्स ध्यान देना है ये फ्रिक्शन फोर्स होने के बावजूद ये जो टॉय है ये जो खिलौना है वो ऐसा मूव नहीं कर सकता पैरल टू रॉड मूव नहीं कर सकता क्योंकि अगर ये पैरल टू रॉड मूव किया मतलब फिर से स्लिपिंग हो गई ठीक है ऐसा खिलौना है मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये चलेगा चाहे जिस प्रकार से चले तो फ्रिक्शन ऐसा नहीं हो सकता व्हील पे क्योंकि अगर ऐसा फ्रिक्शन हुआ तो इनफाइनाइट एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अब मैं ये कह रहा हूं कि इस पर फ्रिक्शन ऐसा हो सकता है ऐसा लेकिन प्लीज ध्यान दीजिए दोनों व्हील पे फ्रिक्शन ऐसा होने के बावजूद ये जो पूरी असेंबली है वो ऐसे तो मूव नहीं कर सकती क्योंकि अगर ये पूरी असेंबली ऐसे मूव कर रही है ऐसे या ऐसे या तो डेफिनेटली यहां पे तो स्लिपिंग हो ही गई स्लिपिंग को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता फिर क्वेश्चन कह रहा है इज नो स्लिपिंग तो रॉड का इस लेंथ के ऐसा कोई मूवमेंट संभव नहीं है इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन संभव नहीं है फ्रिक्शन हो सकता है पर इस रॉड का ऐसा कोई मूवमेंट संभव नहीं है क्या मतलब है इन बातों का <laughs> चलिए सबसे पहले हम आ, थोड़ा सा सिस्टम के काइनेमेटिक्स पे ध्यान देते हैं क्वेश्चन में यह कहा गया कि इस पॉइंट को आपने वेलोसिटी वी वन दे दी और इस पॉइंट को वी टू वेलॉसिटी दे दी फॉर द सेक ऑफ इजी डिस्कशन आई एम एज्यूमिंग दैट V1 V1 V2. मान लेता हूं कि V1 जो है है. से बड़ा है। आप सभी आ, बच्चे चुकी मेरे चैनल सब पढ़े लिखे हैं. हैं वो समझते हैं कि ऐसा अगर एक के एक एंड को मैं वेलोसिटी V1 दे दूं और दूसरे को v2 दे दूं इन सेम डायरेक्शन देर एंगुलर वेलोसिटी रॉड विल डेफिनेटली रोटेट इफ V1 एंड V2 आर नॉट इक्वल रॉड इज बाउंड टू रोटेट एंड angular स्पीड ऑफ रोटेशन of the rod will be v1 वन माइनस वी टू ये सभी बच्चे शायद समझते हैं आ, नहीं समझते हैं तो जल्दी से एक बार बोल दे रहा हूं अगर एक ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे जो रॉड के इस एंड पे बैठा है इस ऑब्जर्वर को इस पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी v1 दिखाई देगी इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी v1 वन माइनस है ऑब्वियसली वेलासिटी का कोई कॉम्पोनेंट ऐसा तो हो नहीं सकता अदरवाइज द रॉड विल एट रॉड खिंच जाएगी ऐसा तो है नहीं रॉड तो फिक्स है रिजिड बॉडी है तो इसके इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो रॉड के के लेंथ परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए जो कि है और उसकी वैल्यू है तो नेचुरली इस पॉइंट पे बैठे ऑब्जर्वर को ये पॉइंट रोटेट करता हुआ दिखाई देगा एंड द एंगुलर स्पीड विल बी वी वन माइनस वी टू बाई एल बच्चो एंगुलर स्पीड किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम होगी दैट मीन अगर एक ऑब्जर्वर रॉड के सेंटर पर बैठा है तो उसको भी ये रॉड ओमेगा एंगुलर स्पीड से ऐसा घूमता हुआ दिखाई देगा इसको v1 से प्रोजेक्ट किया इसको v2 से यहाँ बैठे हुए ऑब्जर्वर को यहाँ सेंटर पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को भी रॉड ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमता हुआ डेफिनेटली दिखाई देगा अच्छा ये तो हो गई एंगुलर स्पीड की बात एक रोटेशन आएगा इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है अह इसके अलावा आपने जो अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात सुनी कि रॉड का कोई ऐसा मूवमेंट हो नहीं सकता रॉड का सेंटर ऑफ मास भी डेफिनेटली चलेगा रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी आप गेस कर सकते हो वी क्या क्या नॉट होगा ये पॉइंट पहले लिख दू तो समझना आसान होगा नॉट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी वी वन प्लस वी तू बाई तू। ये अगर नहीं समझते हो और इसके लिए कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है तुम्हारे पर पॉइंट ऑफ व्यू से तो खुद से कर लेना प्लीज कर लोगे ये होमवर्क मान लो तो रॉड का जो सेंटर है वो वी वन प्लस वी टू बाई टू से ट्रांसलेटरी मोशन करेगा और रॉड के सेंटर पे अगर बैठ जाओ आप तो ये पूरी रॉड तुम्हें ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमती हुई दिखाई देगी रॉड का सेंटर चल रहा है और रॉड के सेंटर के अबाउट रॉड ऐसे एंगुलर स्पीड ओमेगा से स्पिन कर रही है ऐसा आप इस मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो किसी भी रिजिड बॉडी के जनरल मोशन को डिस्क्राइब करने का एक बेहतरीन तरीका हमेशा ये होता है कि सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी स्पिन कर रही है तो सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन दोनों को सुपर इम्पोज कर दें तो हमें इस रॉड के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को आ, लिखने में आसानी होगी और आप वैसा करके लिखोगे तो आपको इस पॉइंट की वी टू मिलेगी खुद करके देखो अब बहुत सारे लोग शायद समझना शुरू कर चुके हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे वीडियो पॉज कर दो तो अगर समझना शुरू कर चुके हो सोचने में मजा आ रहा है करो पॉज नहीं अच्छा चलो तो पूरे रॉड का ऐसा कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है दैट मीनस सेंटर ऑफ मास का भी ऐसा कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है और हमने साथ में यह भी कहा कि फ्रिक्शन ऐसे किसी डायरेक्शन में रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर हो नहीं सकता लेकिन फ्रिक्शन डेफिनेटली ऐसा तो हो ही सकता है अभी हम इसको नकार नहीं सकते कि ऐसा फ्रिक्शन नहीं होगा हो सकता है इसको मैं F1 और इसको F2 लिख दे रहा हूं डायरेक्शन मुझे भी नहीं पता क्या होगा अभी देखते हैं पर अब आप बच्चों समझ गए हो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से देखो सेंटर ऑफ मास इधर उधर नहीं जा सकता ठीक पर वी-नॉट वेलोसिटी से रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर चल रहा है फ्रिक्शन ऐसा ऐसा डायरेक्शन में हो सकता है तो आर यू गेटिंग ए सेंस कि सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूम रहा होगा नहीं घूम रहा होगा सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूम रहा होगा ध्यान दीजिए ये सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर पाथ के ऊपर चलना शुरू कर देगा ऐसा इसका सेंटर इधर कहीं है सर्कल का सेंटर मुझे नहीं पता कहां पे है लेट मी राइट इट एज ओ ये रेडियस हो गया दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ ट्रेस्ड बाय द सेंटर ऑफ मास ये सेंटर ऑफ मास वी नॉट स्पीड से सर्कल में घूम सकता है प्रोवाइडेड कोई सेंट्रीपिटल फोर्स हो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा है? ये फ्रिक्शन प्लीज गौर किया जाए एफ वन और एफ टू का जो रिजल्टेंट होगा इंडिविजुअल फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है मैं उस पर नहीं जाना चाहता पर एफ वन और एफ टू का जो रिजल्टेंट होगा वो डेफिनेटली पॉइंट ओ की तरफ होगा एंड दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी देंट्रिपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड क्योंकि इस फिक्स्ड को पॉइंट को कोई भी फिक्स्ड पॉइंट आप मान लो तो ओ से इस सेंटर ऑफ मास की दूरी ऐसे तो बढ़ नहीं सकती ये पूरा असेंबली जो है ऐसा मूव नहीं कर सकता है कैसा मूव कर रहा है ये पॉइंट ओ है ये रॉड है ये रॉड का सेंटर है ये रॉड का जो सेंटर है इस फिक्स पॉइंट ओ के अबाउट ऐसा सर्कल में घूम सकता है और उसको घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि फ्रिक्शन ऐसा नहीं हो सकता व्हील के व्हील अगर ऐसी है तो फ्रिक्शन ऐसा नहीं हो सकता पर ऐसा होना तो अलाउड है ऐसा होने के बावजूद इस व्हील को ऐसे खिसकना नहीं है मतलब रॉड को ऐसे मूव नहीं करना है तो दिस इज दी पॉसिबिलिटी कि जो सेंटर ऑफ मास है वो सर्कल में घूमेगा चलो सेंटर ऑफ मास किस रेडियस के सर्कल में घूमेगा आप ये पता लगा सकते हो क्या हाँ बहुत आसानी से आप सभी ये बात समझ जाएंगे बहुत थोड़ा सा पिक्चर है इसकी मन में कि ये असेंबली ये असेंबली हमने कहा कि रॉड की एंगुलर स्पीड ओमेगा है सेंटर में बैठे आदमी को ये व्हील ऐसा घूमता हुआ दिख रहा है जितने समय में सेंटर में बैठे आदमी को ये बिल एक चक्कर लगाता हुआ दिखेगा उतने ही समय में इनफैक्ट यहां बैठे ऑब्जर्वर को ये सेंटर ऑफ मास भी एक चक्कर लगाता हुआ दिखेगा मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो ओमेगा आपने निकाला है ये ओमेगा एक्चुअली क्या है रॉड के सेंटर के अबाउट रॉड की एंगुलर स्पीड बट थोड़ा ठीक से सोच के देखोगे तो समझ में आ जाएगा इस पॉइंट ओ के अबाउट भी इस पूरे असेंबली की एंगुलर स्पीड इतनी ही होने वाली है तो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट ओके अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है अगर रेडियस सर्कल का आर है तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो ओमेगा टू आर मस्ट बी इक्वल टू वी नॉट तो ओमेगा तो आपको पता है वी नॉट भी आपको पता है देरफोर यू गेट वैल्यू ऑफ आर सेंटर ऑफ मास किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है ये हमने कैलकुलेट कर लिया आप ध्यान से देखिए रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाय वी वन माइनस वी टू यहां पर देखिए सही लिखा है मैंने सेंटर ऑफ मास आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा सो ओमेगा इंटू आर मस्ट भी इक्वल टू वी नॉट वी नॉट की वैल्यू दी हुई है ओमेगा की वैल्यू गिवन है सो so, हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया अब ये क्वेश्चन बेहद आसान हो गया क्योंकि एम मास का असेंबली है और उसको इस रेडियस के सर्कल में घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो है एम ओमेगा इस आर एम ओमेगा स्क्वायर आर जिसमें ओमेगा हम जानते हैं और आर भी जानते हैं नेचुरली ये है कैलकुलेट किया जा सकता है और इतना ही रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए एक्टिंग टूवर्ड्स पॉइंट ओ तो जब ये असेंबली ऐसे घूमेगी पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट करेगी तो जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो हर समय पॉइंट ओ की तरफ होगा और उसका मैग्नीट्यूड एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल होगा तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें बहुत मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है पर बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा मज़ा तो आपको आ रहा है पर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन बच्चों प्लीज़ शेयर करो इस चैनल को चलते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जरा वीडियोस को शेयर करो सब्सक्राइबर बेस को बड़ा करो थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ